नमस्कार दोस्तों, विजडम ट्री में एक बार आपका फिर से तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज का एपिसोड बहुत खास है। दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे हमारे मित्रों ने हमको करण के बारे में पूछा है, करण के बारे में कुछ ऐसे रहस्य बताने के लिए कहा है जो बहुत ज्यादा उजागर नहीं है, लोकप्रिय नहीं है। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं मेरे प्रिय महावीर महारथी करण के बारे में। दोस्तों आज हम करण के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जहां पर ये साबित होता है कि करण वाकई में महादानी और महावीर। दोस्तों जो पहली कहानी आपको सुनाने वाला हूँ ये कहानी है जो ये साबित करती है कि कब श्री कृष्ण ने ये कहा था कि जो करण है वो ना सिर्फ महावीर है परंतु वो सारे पांडवों में भी सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। कहानी कुछ इस प्रकार है। दोस्तों एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, आप युधिष्ठिर को धर्मराज कहते हैं और कर्ण को दानवीर, ऐसा क्यों? युधिष्ठिर भी तो बहुत दानवीर है। तो श्री कृष्ण अपनी हमेशा की तरह मन मन मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि श्री आओ पार्थ, मैं तुमको आज ये दिखलाता हूँ कि मैं युधिष्ठिर को धर्मराज क्यों कहता हूँ परंतु कर्ण को दानवीर क्यों कहता हूँ। दोस्तों श्री कृष्ण ने खुद को और अर्जुन को ब्राह्मणों को वेश धारा और उन्होंने इन दोनों ही राजाओं से मिलने की ठानी और मिलने गए। सबसे पहले दोस्तों ये दोनों ही युधिष्ठिर के पास गए ब्राह्मण रूप में और उन्होंने उनसे ये भिक्षा में मांगा कि कृपा करके वे कुछ चंदन की लकड़ियां दे दें जिससे कि वे खाना पका सके। दोस्तों समझने की बात यह है कि उस समय जबरदस्त वर्षा हो रही थी और खाना बनाने लायक सूखी लकड़ी वो भी चंदन की ढूंढ पाना बहुत ही कठिन था क्योंकि बाहर तो जबरदस्त वर्षा की वर्षा अपनी पुनः उफान पर। युधिष्ठिर ने काफी प्रयत्न करा दोस्तों लेकिन कहीं से भी उन्हें ऐसा पेड़ नहीं मिला जो सूखा हुआ हो या कोई ऐसी लकड़ियां पड़ी नहीं मिली जो चंदन की हो और जिसको जलाने के काम लाया जाता। दोस्तों इस बात पर युधिष्ठिर ने अपने दोनों हाथ जोड़े और दोनों ही ब्राह्मण देवों से नतमस्तक होकर क्षमा याचना करी कि मैं बहुत ढूंढा लेकिन मुझे कोई भी कहीं पर भी ऐसी चंदन की लकड़ियां नहीं मिल पाई जिनको आप खाना बनाने के लिए उनको जलाने का प्रयोग करते। तो वे दोनों ही वहां से खाली हाथ लौटे। कुछ देर बाद दोस्तों वे अंग देश में अंग राज कर्ण के पास पहुंचे और यही बात उन्होंने वहां पर भी करी। कर्ण ने भी खूब ढूंढा, बहुत ढूंढा लेकिन कहीं पर भी उनको चंदन की ऐसी लकड़ियां नहीं मिली जो सूखी हो और जिनको खाना बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाए, परंतु उन्होंने उनको जाने नहीं दिया खाली हाथ। अर्जुन और कर्ण कहने लगे कि ठीक है कोई बात नहीं अंगराज, अगर आपको नहीं मिल पाती है तो ऐसी कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं और हम खाली हाथ ही कुछ बिना लिए ही चले जाए। परंतु ऐसा कैसे हो सकता था? कर्ण ने कहा नहीं ठहरिए, ऐसे तो आप नहीं जा पाएंगे। उसने अपना धनुष और बाण उठाए और अपने महल के जो उसकी दरबार था उस पर जितने भी दरवाजे थे उनकी चौखटे जो चंदन की बनी हुई थी उनको तोड़ डाला अपने बाणों से और अपने सारे दरवाजे तोड़ दिए और अपने महल के जो उनके दरबार के जितने भी दरवाजे थे उन सबकी लकड़ियां निकाल करके उन दोनों को दिए। दोस्तों जब दोनों करण अर्जुन कृष्ण जी और अर्जुन वापस लौट रहे थे तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उन्हें कहा कि सच में केशव आप सही थे, करण कोई साधारण मनुष्य नहीं है और दानवीरता में उनसे सच में युधिष्ठिर भी श्रेष्ठ नहीं है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण ने ये बताया कि पांडवों में सबसे श्रेष्ठ स्वयं कर्ण है लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कर्ण स्वयं भी एक पांडव। आइए दोस्तों हम एक और बड़ी रोचक घटना के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये घटना है जहां पर कर्ण के धर्म निष्पेक्ष और धर्म प्रचंड होने की जबरदस्त ये सबूत है मैं बताने वाला हूं। दोस्तों ये वो कहानी है जहां पर ये बताया जाता है कि दुर्योधन कर्ण से कितना प्रेम करते थे और उनपे कितना विश्वास करते थे और उनकी वीरता ही केवल वो चीज नहीं थी जिसके लिए दुर्योधन उनसे लालायित रहते थे परंतु उनके उनका उनका धर्म का पालन करना ये भी उनकी एक ऐसी क्वालिटी थी जिसके लिए दुर्योधन उनके साथ रहते। दोस्तों कहानी उस वक्त की है जब कर्ण ने अंग देश की राज्य संभाला ही था और दुर्योधन ने उनको अंग राज बनाया था। दोस्तों ये होने के बाद ज्यादातर वक्त कर्ण दुर्योधन के साथ ही बिताया करते थे, वे सब कुछ साथ में किया करते थे, धनुर्विद्या की अभ्यास किया करते थे, गदा युद्ध का अभ्यास किया करते थे, रणनीतियों के बारे में चर्चा किया करते थे और चौसर भी साथ में मिलकर के शाम को खेला करते थे। एक दिन की बात है कर्ण और दुर्योधन आपस में चौसर खेल रहे थे तभी कुछ कारणवश दुर्योधन को कुछ देर के लिए वहां से जाना पड़ा। दुर्योधन की बारी थी चलने की
परंतु क्योंकि दुर्योधन चला गया था कुछ कारणवश, तो कर्ण उनकी प्रतीक्षा करते थे। उसी समय दोस्तों दुर्योधन की भार्या यानी उनकी पत्नी भानुमती भी वहां पर आ पहुंची। भानुमती भी कहती है कर्ण से कि ठीक है कर्ण, आइए मैं दुर्योधन के पक्ष से खेलती हूँ। और फिर उन दोनों में चौसर का वो गेम कंटिन्यू हो गया। कभी भानुमती चले, कभी कर्ण चलता था, तो ये बड़ा ही मतलब एक खेल सा होने लग गया था और ये आपस में थोड़ा सा हंसी मजाक होने लगा था। इसी वक्त ऐसा हो गया था कि जो भानुमती थी उनकी जो ड्रेस थी थोड़ी सी शिफ्ट हो गई थी और उनकी कर्ण के जो हाथ में एक कड़ा सा था उसमें उनका जो दुपट्टा था थोड़ा फंस गया था, उसको छुड़ाने हेतु जब उन्होंने खींचा तो उनके गले में एक मोतियों की माला थी वो टूट के उनके सारे मोती जमीन पर बिखर गए। जैसा ही यह हुआ उसी समय दुर्योधन का आगमन हो गया। दुर्योधन ने देखा कि ये दोनों थोड़े अजीब सी अवस्था में फंसे हुए हैं और मोतियों की माला बिखरी हुई है, परंतु दोस्तों दुर्योधन के चेहरे पे एक बार भी हल्की सी भी शिकन नहीं आई। उन्होंने सीधे जाते ही इन दोनों से पूछा कि क्यों भाई, क्या बात है, किस बात पे इतना वाद विवाद हो रहा है? और जब उन्होंने बताया कि ऐसे कोई हम कर्ण जीत रहा था या वो जीत रहे थे, तो तभी उनको लगा कि ये तो कमाल हो गया। और तो दुर्योधन ने इस पूरी जो घटना थी उस पर चुटकी लेते हुए एक मजाक करा और उसके बाद वे अपना जो खेल था उसे कंटिन्यू करने लग गए। बाद में दोस्तों शाम को रात को थोड़ा जब भानुमती जी दुर्योधन के कक्ष में आई रात को, तब उन्होंने दुर्योधन से प्रश्न किया कि हे नाथ, आपको उस अवस्था में हमको देख करके आपको हटपने की शंका नहीं हुई? आपको थोड़ा सा भी जरूरी भी गुस्सा नहीं आया क्योंकि आपको हम पर शक नहीं हुआ? तो इस पर दुर्योधन कहते हैं कि भानुमती, जहाँ भी कोई रिश्ता होता है वो रिश्ते की जो बुनियाद होती है वो विश्वास पर होती है और कर्ण तो मेरे लिए धर्म की मूर्ति है। इसलिए अगर ये तो कुछ भी नहीं, अगर मैं कोई ऐसा दृश्य भी देख लेता अपनी आंखों से भी जहाँ कुछ अनर्थ हो रहा होता, मैं तो तभी भी उसको अपनी आंखों से देखने के पश्चात भी उस चीज पर भरोसा नहीं करता क्योंकि मुझे कर्ण की धर्म धरोहर पे पूरा यकीन। ये सुनकर भानुमती गदगद हो गई। और दोस्तों यहाँ पर दुर्योधन का भी एक कैरेक्टर का पता चलता है और कर्ण की ये एक महान छोटी सी कहानी है जो बहुत ज्यादा जानकारी में नहीं है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने कर्ण की कई जगह पर बहुत तारीफ करी और श्री कृष्ण ये मानते थे कि कर्ण कदाचित अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर है। आइए दोस्तों मैं आपको एक और आखिरी कहानी सुनाता हूँ जिसको जब मैंने पढ़ा था दोस्तों आप यकीन करें मेरी तो मतलब मैं तो कुछ देर तक बात भी नहीं कर सका, सोच भी नहीं सका कि ऐसा क्या हुआ, ये कैसे हो गया। दोस्तों ये कर्ण के दानवीर होने की मेरे ख्याल सबसे स्ट्रांग कहानी है। दोस्तों ये कहानी है कुरुक्षेत्र के उस युद्ध के दिन की जिस दिन कर्ण का वध होता है। दोस्तों संसार को बताने के लिए कि दानवीरता की पराकाष्ठा क्या है और कर्ण को मोक्ष की प्राप्ति कराने के लिए श्री कृष्ण ने एक आखिरी लीला रची। दोस्तों जब अंजलि का अस्त्र चलाने पर कर्ण फेटली इंजर हो जाते हैं, यानी इतने बुरी तरह से इंजर हो जाते हैं कि उनकी मृत्यु बस अब द्वार पर आई जाती है, वो जमीन पर लेटे होते हैं, तभी श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण जो कि बस अपने प्राण त्यागने ही वाला होता है उसके पास पहुंच जाते हैं और दोस्तों वो कर्ण को कहते हैं कि ये दानवीर, मैं एक ब्राह्मण हूँ और मैं आपके बारे में बहुत सुनकर आया हूँ। मैं जानता हूँ ये स्थिति थोड़ी सी अजीब है, परंतु फिर भी अगर हो सके तो आप मुझे कुछ दान में दीजिए। तो कर्ण कहता है कि मेरे पास तो अब देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तो बल्कि अपने प्राण भी त्याग नहीं वाला हूँ। तो उस पर ब्राह्मण कहता है चलिए ठीक है फिर, आप कोई बात नहीं, आपका फिर भी कल्याण हो, मैं प्रस्थान करता हूँ। ये देख करके कर्ण जो कि बस मृत्युशैया पे ही थे, उन्होंने कहा नहीं ब्राह्मण देव, अगर आपने कुछ मांगा है तो मैं आपको जरूर कुछ दूंगा। ये देखकर बगल में ही एक पत्थर पड़ा होता है दोस्तों, वो पत्थर लेकर के कर्ण अपने मुंह में दो दांत होते हैं उनके सोने के, दोस्तों वो अपने वो दांत तोड़ देते हैं, वो दांत तोड़ करके वो ब्राह्मण देवता को दे देते हैं कि लीजिए ब्राह्मण देव ये सोने के दांत है दो, हो सकते इनको आप ग्रहण करें और मतलब ये नहीं तरह से आपको ये दान मैं दे सकता हूँ। कृष्ण जी बहुत इम्प्रेस हो गए, बहुत हैरान हो गए कि इस वक्त भी ऐसे स्थिति में भी ये अपने दानवीर धर्म को नहीं छोड़ रहा है। श्री कृष्ण इसको एक स्टेप और आगे ले जाते हैं दोस्तों और वे कहते हैं कि ये क्या बेकार की बात, ये वो है, आपने हमें अशुद्ध ये दान दिया है, इसमें तो आपके मुंह का जो ये तो मतलब मुंह का थूक लगी हुई है, इसमें सलाइवा लगा हुआ है आपका, तो ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता किसी भी प्रकार, मैं ये तो कुछ भी करके इसको नहीं स्वीकार कर सकता हूँ। दोस्तों
अपनी सांसों मतलब अंतिम सांस से, मुश्किल से 3-4-5 सांसें शायद उनके पास शेष रह गई थी, उस पर भी करण एक बार फिर उठे। उन्होंने अपने विजय धनुष को उठाया और एक तीर चला दिया सीधा सीधा जमीन के अंदर, मरते मरते भी। और दोस्तों उसके अंदर से एक फ्रेश पानी का एक फव्वारा फूटा और उन्होंने अपने वो दांत मरते मरते भी उस पानी से धोए और वो ब्राह्मण देव को दे दिए कि लीजिए ब्राह्मण देव, मेरे ख्याल इससे आपको मतलब ये मेरी तरफ से आपके लिए दान है। दोस्तों अपने अंतिम क्षणों में इतना महादान देने वाला शायद ही इस धरती पे दूसरा कोई होगा। श्री कृष्ण भी गदगद हो गए इसको देख करके और उन्होंने करण के अंतिम पलों में अपना विश्व रूप उनको दिखाया था। दोस्तों ये विश्व रूप देखने वाले करण केवल तीसरे ही ऐसे मनुष्य थे जिन्होंने ये देखा था। दोस्तों कितनी ही बड़ी बात है। और इसके बाद श्री कृष्ण ने दोस्तों ये कल्पना करी थी कि करण को कदाचित मोक्ष की प्राप्ति होगी और विश्व रूप देखने के बाद तो वैसे भी करण का मोक्ष कंफर्म हो गया था। हालांकि कई लोग ऐसे पूछते हैं, कई लोग ऐसी चर्चा करते हैं कि श्री कृष्ण को ये करने की क्या जरूरत थी। तो दोस्तों वो इसलिए थी क्योंकि करण ने अधर्म का साथ दिया था परंतु वह मोक्ष प्राप्ति के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट था। तो दुनिया को दिखाने के लिए कि दानवीरता की पराकाष्ठा क्या है और करण को मोक्ष प्राप्त कराने के लिए श्री कृष्ण ने ऐसा कहा जाता है कि ये लीला रची थी। दोस्तों करण के बारे में जितना भी हम पढ़ते हैं उतना ही हमको इंस्पिरेशन मिलती है, हमको सीखने को मिलता है। दोस्तों करण जैसा जो सामर्थ्य था और जैसा पुरुषार्थ था उसमें, दोस्तों हम उनका 1000वां हिस्सा भी अगर हम अपने जीवन काल में ला सकें तो इस कलयुग में दोस्तों ये बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। तो दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा आज का ये एपिसोड कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। दोस्तों अगर आप भी करण को पसंद करते हैं और आपको भी करण के बारे में कोई बातचीत पूछनी चाहते हैं या कोई सवाल आते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। दोस्तों और आपसे सभी से हाथ जोड़ करके आग्रह है, यदि आपने में किसी ने भी सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये छोटा सा लाल बटन है बाईं तरफ, उस पर एक बार बस क्लिक करना है और हमारे तार आपस में हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे। दोस्तों हमारी मुहिम यही है कि जो हमारे भारत की संस्कृति है उससे हम सीख सके। अगर हमने अपने इतिहास की गलतियों से कोई भी सीख ना ली, हमारी संस्कृति की धरोहर हमने अपनी आने वाली नई पीढ़ियों को नहीं दी तो ये सारी महानता हमारे पूर्वजों की व्यर्थ हो जाएगी। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप ये नॉलेज शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। अच्छा दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल से। नमस्कार।